कोरोना वायरस से बचाव को लेकर देश भर में लॉकडाउन है। इन सब के बीच कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की गलत जानकारी वायरल हो रही है। लोगों को इससे सावधान होने की जरूरत है। बिना जांचे परखे इन खबरों को शेयर करने की आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं उन 6 फेक न्यूज के बारे में जो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रही है। नंबर 1, शराब पीने से नहीं होगा कोरोना। सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि शराब पीने वालों को कोरोना वायरस नहीं होगा, लेकिन इस तरह का कोई सर्कुलर या सलाह भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय या विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से नहीं दी गई है। नंबर 2, बाजार में आ गई कोरोना की दवा। सोशल मीडिया में चल रहे मैसेज में कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की दवा बाजार में आ गई है। होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम 30 से कोरोना को नियंत्रित किया जा सकता है, जो सच नहीं है। नंबर 3, लहसुन से कोरोना का इलाज। सोशल मीडिया में शेयर किए जा रहे मैसेज में लहसुन से कोरोना वायरस के इलाज का दावा किया जा रहा है, जबकि WHO का कहना है कि लहसुन से वायरस के इलाज के कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। नंबर 4, गर्म पानी से नहाना फायदेमंद। कहा जा रहा है कि गर्म पानी से नहाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। हालांकि किसी भी डॉक्टर या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि गर्म पानी से नहाने से कोरोना वायरस का खतरा कम होता है। नंबर 5, मच्छर काटने से फैलता है कोरोना। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि मच्छरों के काटने से कोरोना वायरस फैलता है, जबकि किसी भी डॉक्टर, वैज्ञानिक या रिसर्चर ने कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मच्छरों के काटने से फैलने की बात नहीं कही है। और नंबर 6, पालतू जानवरों से फैलता है कोरोना। ये भी कहा जा रहा है कि पालतू जानवर से कोरोना फैलता है, मगर अब तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें कहा गया हो कि पालतू जानवरों को छूने या उनके साथ खेलने से कोरोना वायरस फैलता है।